करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। लेते हैं पहला क्वेश्चन। 6वें स्वतंत्रता दिवस पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च सम्मान कृति चक्र से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो कृति चक्र से जिन्हें सम्मानित किया है उनका नाम है नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। 6वें स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पुरस्कार मेशन इन डिस्पैच से मरणोपरांत भारतीय सेना के किस कुत्ता को सम्मानित किया गया है? तो यह एक्सल कुत्ता है जो बेल्जियम की मालिंग नस्ल की है। 6वें स्वतंत्रता दिवस पर 21 तोपों की सलामी के लिए पहली बार DRDO द्वारा स्वदेश निर्मित किस तोप को शामिल किया गया है? उसका नाम है होविट्ज़र। लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी ह्यूमन इमेज का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो यह भारत देश ने बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात के नाम से था। यह कह रहा है लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी ह्यूमन इमेज का विश्व रिकॉर्ड जो है वो भारत के नाम रहा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो यह 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में के उपलक्ष्य में यह 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है। देश की पहली फ्रेंचाइजी आधारित अल्टीमेट खो खो लीग 2022 का आयोजन कहां शुरू किया गया? तो यह पुणे में शुरू किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित कर स्माइल 75 पहल कब लॉन्च किया गया? तो यह 12 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। स्माइल जिसका एब्रिविएशन है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य सर्वेक्षण समूह के लिए मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षण के रूप में किस देश के एडमिरल गुइलेमो पाब्लो रियोस को नियुक्त किया गया है? तो यह अर्जेंटीना देश के हैं। भारत सरकार ने कब तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.3% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय अस्त्र अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर जो बरेली में है के सहयोग से पशुओं के फैलने वाले लंपी त्वचा रोग के लिए कौन सी स्वदेशी दवा विकसित की है? तो यह लंपी प्रो वैक्ड इंड है। यह रोग मवेशियों में कैप्रीपोक्स वायरस के कारण होता है। आज का अगला क्वेश्चन। किस देश द्वारा पहली बार आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति में भारत भाग ले रहा है? ये आपको बताना है। किस देश द्वारा पहली बार आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति में भारत भाग ले रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, मलेशिया, रूस और इजराइल। अगर आपको यह क्वेश्चन आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।